हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवानी और आप देख रहे हैं ट्वीट लाइब्रेरी हिंदी। गूगल 3D AR एनिमल के बारे में तो आप सबने सुना होगा और ट्राई भी किया होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि गूगल ने और भी नए एनिमल्स और बर्ड्स 3D AR लिस्ट में ऐड किए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो ना केवल आपके एंटरटेनमेंट के पर्पज से इंटरेस्टिंग हो सकते हैं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकते हैं, जैसे नील आर्मस्ट्रांग और स्केलेटन। तो चलिए देखते हैं कि गूगल 3D AR लिस्ट में क्या क्या नया है। इसके लिए गूगल पर जाकर यहाँ सर्च बार में मैंने मकॉ टाइप किया है, जो एक तरह का पैरट होता है। आप कोई भी एनिमल या बर्ड का नाम टाइप कर सकते हैं जो गूगल 3D AR लिस्ट में हो। स्क्रॉल करने पर यहाँ नीचे आपको व्यू इन 3D का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर टैप करने के बाद यहाँ आपको वो सभी एनिमल्स और बर्ड्स दिख जाएंगे जिन्हें आप 3D AR में देख सकते हैं। इनमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। अब व्यू इन योर स्पेस पर टैप करके आप ये बर्ड अपने स्पेस में देख सकते हैं। एनिमल्स और बर्ड्स के अलावा सर्च बार में नील आर्मस्ट्रांग टाइप करके आप इसे भी 3D में अपने स्पेस में देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप स्केलेटन भी 3D AR में देख सकते हैं। आपको इस स्केलेटन से ह्यूमन बॉडी की बेसिक नॉलेज भी मिल जाएगी। वाओ, आई एम श्योर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, अब आप ना केवल इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं बल्कि इस सेंटर बटन पर प्रेस करके वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए ट्वीक लाइब्रेरी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।